पॉल कहता है कि तुम कब से मेरी फीलिंग समझने लगी। डैन और पैट वहां आ जाते हैं। डैन कहता है कि तुम जैसे लोग क्रेडिट लेने का कोई चांस नहीं छोड़ते। पॉल कहता है कि क्रेडिट लेने में तुमसे तो स्लो ही रह गया और बाद में मिलने के लिए कहकर चला जाता है। डैन कहता है कि अपने आप को समझता क्या है। नाय और पैट मिस्टर परामी से मिलने आते हैं। डैन के पास किसी लड़की कैट का कॉल आता है। वह साइड में आकर बात करता है और कहता है कि मैं डैड के फ्रेंड से हॉस्पिटल में मिलने आया था, क्या पता वह ओल्ड मैन कब मर जाए। वैसे तो आना नहीं चाहता था और आज रात मिलने के लिए कहकर चला जाता है। पॉल सारी बातें सुन लेता है। सिंकॉन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि पुलिस को एविडेंस मिले थे और शायद मिस नाय को अब तक सब पता चल गया होगा। हिया नाय को बताता है कि पुलिस उन लोगों को नहीं ढूंढ पाई। पॉल कहता है कि वे लोग अब तक भाग गए होंगे। हिया बताता है कि पुलिस को एक एविडेंस मिला है। बाकी स्टाफ बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है पर सिंकॉन के आते ही काम पर लग जाते हैं। सिंकॉन अंदर आकर कहता है कि मैंने सुना है कोई एविडेंस मिला है। पॉल कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हो। सिंकॉन कहता है कि प्रेसिडेंट ने ये केस मुझे ही हैंडल करने के लिए कहा है। नाय उन्हें एविडेंस दिखाती है। एविडेंस होता है जिनसे कार के टायर पंक्चर हुए थे। सिंकॉन रिलैक्स हो जाता है पर पॉल को टेंशन हो जाती है। सिंकॉन कहता है कि अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है, ये काम हमारे कॉम्पिटिटर का ही है, मतलब एमएल ज्वेलर। इस काम से उन्हें ही फायदा हुआ है। पॉल कहता है कि हमारी कंपनी से भी कोई हो सकता है। सिंकॉन पूछता है कि तुम किसे टारगेट करना चाह रहे हो। पॉल कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने किया है। सिंकॉन उसे गुस्से से देखकर चला जाता है। हिया के बाहर आने पर सब उसे पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि क्या तुम ज़ॉम्बीज हो। सब उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। पार्किंग में सिंकॉन पॉल को कार से हिट करने वाला होता है पर नहीं करता और कहता है कि आज छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ब्रेक्स नहीं लगाऊंगा। पॉल कहता है कि ओपन एरिया में तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सब काम सीक्रेटली करना पसंद है। सिंकॉन को गुस्सा आ जाता है। नैट आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पॉल कह देता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और स्माइल करके चला जाता है। ऑफिस में आकर नैट सिंकॉन को डांटती है और दोबारा पॉल को परेशान करने से मना करती है। मिस्टर परामी ने ऑर्डर दिया है कि जब तक वे ठीक नहीं होते उनकी जगह नाय हैंडल करेगी। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि नाय नहीं कर पाएगी, सिंकॉन है तो, पर सिंकॉन उन्हें प्रेसिडेंट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है। नाय सबसे कहती है कि मैं अच्छे से काम करूंगी। सब क्लैपिंग कर देते हैं। रात को नाय हॉस्पिटल में होती है। मिस्टर परामी उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। नाय मना कर देती है। वे कहते हैं कि बस तुम्हें ही मेरी फिक्र है। नाय कहती है कि मिस नैट को भी आपकी फिक्र है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर परामी नैट की पार्टीज वाली आदत से परेशान हो गए थे और आर्गुमेंट के बाद बोल दिया था कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ। नैट कहती है कि मेरा क्या होगा। वे कह देते हैं कि तुम्हें इसी तरह ड्रंक रहना सूट करता है और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नाय कहती है कि मिस नैट आई थी पर आप सो रहे थे। वे कह देते हैं कि मुझे रेस्ट करना है। नेक्स्ट डे सिंकॉन नैट के घर आ जाता है क्योंकि मिस्टर परामी वहाँ पर नहीं है। तभी गेट पर शोर होता है। वहाँ होती है नैट की कजिन रानी और उसकी बेटी जीना। नैट को उनका आना अच्छा नहीं लगता। नाय शॉप में आती है। मैनेजर उसे बताता है कि कस्टमर ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। पॉल भी उसे ईमेल्स दिखाता है कि और भी कस्टमर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। नाय को टेंशन हो जाती है। पॉल उसे देखता है। जीना उनके घर को बहुत बड़ा बताती है। रानी नैट से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नैट कहती है कि तुम वापस क्यों आई हो। रानी कहती है कि हम हांगकांग में ज्यादा दिन नहीं रह पाए, इसलिए कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आई हूँ। नैट कहती है कि फिर से कर्जा चढ़ा लिया होगा, तुम 10 साल में भी नहीं बदली। रानी कहती है कि 10 साल हो गए पर तुम अभी तक भी मिस्टर परामी की वाइफ नहीं बन पाई। नैट गुस्सा करती है। रानी कहती है कि हमें पास की बातें नहीं करनी चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस डारा ने नैट को धक्का नहीं दिया था। नैट जानबूझकर खुद गिरी थी, ये भी उसकी प्लानिंग थी, उसकी नर्स रानी ही थी। रानी स्माइल करके चली जाती है। शॉप में पॉल नाय के लिए कॉफी लेकर आता है।
और कहता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस गिव अप नहीं करना चाहिए। नाय कॉफी को कड़वी बताती है। पॉल हंसकर कहता है कि इसमें शुगर नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कॉफी का फ्लेवर टेस्ट करा रहा था। ये कड़वी है पर स्मेल अच्छी है, ट्राई करो। नाय ट्राई करती है। पॉल उसे सिखाता है कि कैसे करना है। उसके बाद ऑफिस में पॉल उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि सिंगापुर में ऑक्शन है, इस प्रोजेक्ट से हमें हमारी रेपुटेशन वापस मिल सकती है। पैट भी बताती है कि ये बड़ा इवेंट है और सारी कंट्रीज की ज्वेलरी कंपनीज ये इवेंट अटेंड करेंगी। पॉल कहता है कि अगर तुम एग्री हो तो मैं डिटेल्स अरेंज कर लूंगा। नाय उसे देखती है। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। बाहर आकर पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम लगी। नाय कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। पॉल उसका हाथ पकड़ लेता है। नाय उसे देखती है तो पॉल हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मैं काम को लेकर सीरियस हूँ। नाय कहती है कि पहले प्रूव करो कि ये तुम क्राउन डायमंड के लिए कर रहे हो, किसी और वजह से नहीं। पॉल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, या तुम मेरी आईज में देखकर पता लगा लो जैसे पिछली बार किया था। नाय उसे देखती है और चली जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देती है। पैट कहती है कि पॉल और एमएल ज्वेलरी के बीच कनेक्शन का क्या हुआ। नाय कहती है कि इस बारे में हम श्योर नहीं हैं और वैसे भी पॉल कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। पैट बताती है कि पॉल ने हिंट दिया था कि कंपनी का ही कोई आदमी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मिस्टर परामी को डिस्चार्ज मिल जाता है। नाय कहती है कि डॉक्टर ने अभी घर जाने की परमिशन नहीं दी है और सिंकॉन को डांट कर कहती है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सिंकॉन सॉरी बोलता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। सिंकॉन कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और मिस नाइट ने भी घर पर नर्स अरेंज कर ली है। उसके बाद सबको घर पर दिखाते हैं। सिंकॉन चला जाता है। नाइट रानी और जीना को लेकर आती है। मिस्टर परामी उसे वापस आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। रानी नाय को देख कर कहती है कि ये तो वही लड़की है जिसे आप घर ले आए थे। नाय उन्हें हेलो बोलती है पर वे उसे देख कर खुश नहीं लगती। कशिन नाय से कहता है कि मिस्टर परामी के लिए तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। पॉल पूछता है कि क्या उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। कशिन कहता है कि उन्हें कल डिस्चार्ज मिलना था पर वे लोग उन्हें आज ही ले गए, तुम क्यों पूछ रहे हो। पॉल कहता है कि क्राउन डायमंड के सीईओ को जल्दी ठीक होना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। कशिन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पॉल मना करके कहता है कि मैं तो कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। नेट नाय से रानी के अकाउंट में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहती है। नाय कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या डैड को इस बारे में पता है। नेट कहती है कि रानी मेरी कजिन है और पुरानी नर्स भी, मिस्टर परामी भी सब जानते हैं। मेड मिस्टर परामी के लिए खाना लेकर जाती है। रानी उसे रोककर खाना चेक करती है। नाय का मिस्टर परामी को खाना देने के लिए कहती है पर रानी खाना फेंक देती है और कहती है कि मैं उनकी नर्स हूँ तो मेन्यू भी मैं डिसाइड करूंगी, ये खाना उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नाय कहती है कि मुझे मेन्यू दिखा देना। रानी नेट को दिखाने के लिए कहती है और चली जाती है। रानी अपने बेटी जीना को कल से कंपनी जाने के लिए कहती है। जीना मना करती है। रानी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही घूमने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे जीना ऑफिस आ जाती है और आते ही टॉय के साथ आर्ग्यू करने लगती है। वितोर हिया जीना का साथ देते हैं और टॉय को ही गलत बताते हैं। जाते हुए जीना पॉल से टकरा जाती है और सॉरी बोलकर कहती है कि मैं आंटी नेट की रिलेटिव हूँ। टॉय कहती है कि कब तक उसे देखती रहोगी, तुम यहाँ काम करने आई हो। जीना पॉल से बाद में मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। पैट और नाय उसे सबसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती हैं, पर जीना उनसे भी आर्ग्यू करके चली जाती है। बाहर आकर जीना गुस्सा करती है। सिंकॉन आकर उससे बातें करता है और अपने किसी काम के बदले पैसे देने के लिए कहता है। पॉल टाइम ओवर होने के बाद भी वापस कंपनी आता है। नेट कहती है कि तुम भी नाय के जैसे हो गए हो। पॉल कहता है कि मेरे लिए काम और तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो। नेट उसे चीक्स पर किस करती है। पॉल बाहर आ जाता है। और जाते हुए स्माइल करता है। जीना पॉल की डेस्क चेक करती रहती है। पॉल अपना सामान बाहर देखता है। घर पर भी वह डॉक्यूमेंट्स के फोटोज क्लिक करती है। नाय के आने पर वापस रख देती है। नाय पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जीना कहती है कि मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई।
नाय उसे रोककर उसका फोन चेक करने के लिए कहती है। जीना उसे नहीं देती और रानी के आने पर कह देती है कि मुझसे झगड़ा कर रही है। रानी उसे भेज देती है और नाय से पूछती है, क्या तुम्हारे रूम में कुछ मिसिंग है। नाय अपना बैग चेक करती है, पैट हांगकांग की एमएल ज्वेलरी के बारे में पता लगवाती है और डॉक्यूमेंट देखकर स्माइल करती है। पॉल नाय को सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता है पर उसका ध्यान नहीं होता। पॉल पूछता है कि क्या हुआ। नाय उसे मिस्टर परामी के पास चलने के लिए कहती है। दोनों वहाँ आ जाते हैं। सिंगकांग भी आकर कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट से सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। दोनों शौक हो जाते हैं। सिंगकांग डिटेल्स मिस्टर परामी को दिखाकर कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें हमारी रेपुटेशन वापस मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिंगकांग को ये सब डिटेल्स जीना ने दी थी। वे उसे साथ में शॉपिंग चलने के लिए कहती है। तभी रानी वहाँ आ जाती है और जीना को अपने साथ ले जाती है। नाय मिस्टर परामी से कहते हैं कि आपको अजीब नहीं लगा, मेरा और अंकल सिंगकांग का प्रोजेक्ट सेम था। वे कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोजेक्ट सिंगकांग हैंडल करेगा। उसने बजट भी तुम लोगों से कम रखा है, तुम लोग कंपनी को नुकसान करा चुके हो। नाय चली जाती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि क्या तुम मुझे डांटने के लिए रुके हो। पॉल कहता है कि आपको मिस नाय के काम पर ट्रस्ट ही नहीं है। वे कहते हैं कि बात ट्रस्ट की नहीं है, काम के अकॉर्डिंग लोगों को चूज करना चाहिए। रानी जीना को सिंगकांग से दूर रहने के लिए कहती है। जीना कहती है कि काम के बारे में डिस्कशन चल रही थी। रानी कहती है कि तुम उसके अंडर में काम नहीं करती, तो कैसा काम। जीना उसे बताती है कि मैंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी जिससे उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया। नाय कहती है कि इसीलिए तुम मेरे रूम में आई थी, और उसे मिस्टर परामी के पास लेकर जाती है। रानी उसे रोकती है। तभी नायट वहाँ आ जाती है। नाय उन्हें बताती है कि इसने मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चुरा कर अंकल सिंगकांग को दे दी। जीना कह देती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी नेट से कहती है कि चूज कर लो, मेरी बेटी पर ट्रस्ट करना है या इस लड़की पर। नेट नाय को डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे पुश भी कर देती है। नाय वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर रोती रहती है। तभी कशेन वहाँ आ जाता है और उसे रोते हुए देखता है। उसके हाथ पर भी मार्क्स होते हैं। कशेन पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद नेट जीना के रूम में आती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैंने तुम पर बिलीव कर लिया, तुम सिंगकांग से दूर रहना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और चली जाती है। कशेन उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है और कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी केयर करने के लिए रेडी हूँ। तभी डैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। कशेन कहता है कि मैं तो बस मेडिसिन लगा रहा था। डैन चोट देखकर कहता है कि इतनी सी चोट पर डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, और चिल्लाकर पूछता है कि बताओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक करते हो या नहीं। पैट आकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और डैन से कहती है कि हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, और स्माइल करती है। बाहर आकर पैट कहती है कि अगर तुम्हें मैं ना बचाती तो डैन तुम्हारे पीसेस कर चुका होता। कशेन कहता है कि मैं बस मेडिसिन लगा रहा था। पैट धीरे से कहती है कि मैं मार्स ब्रांड से देखकर भी बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। कशेन उसके आने का रीजन पूछता है। पैट बताती है कि मैं मिस नाय को एक डॉक्यूमेंट देने आई थी जिससे किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। पॉल सिंगापुर वाले ऑक्शन के लिए वैंग से ज्यादा प्राइस लगाने के लिए कहता है ताकि सिंगकांग को और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। नाय डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उसमें वैंग इन्फॉर्मेशन होती है। पैट उसे बताती है कि पॉल भी इन सब में इन्वॉल्व है। नाय उसे थैंक यू बोलती है।